गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कैसे कस्टम क्रिएट किया जाता है। कुछ लोगों को अभी तक पता नहीं है कस्टम कैसे क्रिएट किया जाता है प्रॉपर तरीके से, अनलिमिटेड सब कुछ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे गेम खेलते हो उसी हिसाब से यहाँ पे स्टार नहीं करना है, उसके ऊपर का जो बीआर रैंक दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टम वाला आइकन दिख रहा है, इस कस्टम पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ये जितना भी कस्टम है, उसके बाद आपको यहाँ पे सब कुछ कस्टम दिखेगा। उसके बाद आपको सिंपल सी क्या कर लेना है, आपको क्रिएट ऑप्शन पे चला जाना है, ठीक है। जैसे आप क्रिएट ऑप्शन पे जाओगे तो आपको आपको रूम का नेम दिखेगा यहाँ पे, जैसे कि मेरा देख रहा है गेमर रूम्स। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड देने के लिए बताएगा, आपको पासवर्ड दे देना है जो भी अगर रखना चाहती हो तो। अगर रैंडम प्लेयर सब खेलना चाहती हो तो पासवर्ड नहीं देना है, रैंडम प्लेयर ऑटोमेटिक आपको कस्टम पे आ जाएगा। अगर अपना बंदा लाना चाहती हो तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, रैंडम बंदा आते ही रहेगा। उसके बाद आपको गेम मोड चूज कर लेना है, जैसे कि आपको देख सकते हो क्लासिक स्क्वाड है, बैटल रॉयल है, बूम स्क्वाड है, लाइन ऑफ है, टीम डेथ मैच है, ऐसे बहुत सारे गेम प्ले है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल से मैप चेंज कर लेना है, यहाँ पे बहुत सारा तरह तरह का मैप शो हो रहा है, उसका मैप आपको शो कर लेना है। उसके बाद आपको है टीम मोड सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे स्लो ड्यूअल स्क्वाड और 6v6 है, आपको सही चूज कर लेना है आप किस में खेलना चाहते हो। उसके बाद आपको प्लेयर है, यहाँ पे प्लेयर पे आपको 8 ही 8 रहने देना है, उसको स्पेक्टर पे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे 30 है 30 पे ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आप चला जाना है यहाँ पे गेम की तरफ चला जाना है, यहाँ पे आपको कर लेना है, यहाँ पे सब असली काम तो यहीं पे ही होता है, ठीक है। आप राउंड 7 है, आप राउंड से ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पे राउंड 30 लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आप HP आप 200 नॉर्मल हिसाब से रहता है, आपको जो भी करना है उसके ऊपर मूवमेंट स्पीड भी 100% रहता है, उसी हिसाब से आपको करना है। लिमिटेड डेमो के नो कर देना है, एयर ड्रॉप को यहाँ पे नो कर देना है, यहाँ पे और कुछ काम नहीं है, यहाँ पे इस तरफ काम है, यहाँ पे आपको फुल डैमेज है, और यहाँ पे छोड़ दीजिए। कैरेक्टर स्किल को आपको यहाँ पे ये रखना है, सिम रखना है क्या नो रखना है ये आपकी मर्जी है, तो आप किस हिसाब से नो कर सकते हो, और अदरवाइज आपको ये करके रख सकते हो। ये करने पर यहाँ पे आपको जितना भी स्किल आपके साथ ऐड होगा वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्रिएट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और कुछ करना नहीं है, सब कुछ अनलिमिटेड हो जाएगा। तो जैसे क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आपको शो होगा, आपका नाम शो होगा, आप जाए ऑब्जर्व में जा सकते हो या फिर आप खेल सकते हो। उसका अगला वाला टीम को जिसको बुलाना है उसको यहाँ से आप बुला सकती हो। तो मैं यहाँ पे रैंडमली किसी को भी अपना फ्रेंड को बुला लेता हूँ। यहाँ पे बुलाने के लिए आपको इनवाइट फ्रेंड आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करने बाद ऑटोमेटिक जो आपका फ्रेंड का लिस्ट जो है ये ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होगा तो आप यहाँ से किसी को भी बुला सकती हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा फ्रेंड आ चुका है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो स्टार्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।